हेलो फ्रेंड, मैं लिंगराज पटेल किचन किंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबके लिए और एक नया रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम बनाने वाले हैं वीरी वड़ा। और आज ये रेसिपी को मैं कैसे बनाऊँगा ये जानने के लिए आप प्लीज़ वीडियो के शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें। मैं जिस तरीके से आज आपको वीरी वड़ा बना के दिखाऊँगा ये एकदम सॉफ्ट बनेगी और अंदर से भी एकदम रूई जैसे बनेगी। तो फिर ज़्यादा बातचीत ना करते हुए चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बड़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए वीरी दाल। और वीरी दाल को हमने रात को ही भिगो के रख दिया था। ये देखिए ये अच्छी तरह से फूल गया है। अभी हम इसको अच्छी तरह से छान के इसको मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए हमने इसको पीस लिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। हमें एकदम थोड़ा सा सूजी लेना है। सूजी को डालने के बाद अभी हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। इसको हमने इसमें डाल दिया। अभी हम इसको अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसको अच्छी तरह से तब तक फेंटे जब तक ये वीरी दाल एकदम हल्का ना हो जाए। हमने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। ये देखिए आप देख सकते हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। हमने यहाँ पे थोड़ा सा अजवाइन लिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया का पत्ता। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा मीठा नीम पत्ता और थोड़ा सा प्याज जिसको हमने पहले से काट लिया था। अभी हम इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से आपस में मिला लेंगे और मिलाने के बाद लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे नमक, क्योंकि पहले से नमक को डाले तो इसमें से पानी निकल जाता है। और नमक को डालते ही इसको मिला के इसको तुरंत बना लें। तो चलिए अब हम इसे एक एक करके छान लेते हैं। ये देखिए हमारा तेल भी गर्म हो गया है। अभी हम एक एक करके इसको छान लेंगे। आप इसको अपना मनचाहा कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने इसको गोल गोल करके बनाया है। और हाँ, जब भी आप इसको फ्राई करें गैस को मीडियम फ्लो पे रख के फ्राई करें और इसको तब तक फ्राई करते रहें जब तक कि अच्छी तरह से लाल ना हो जाए। हम इसको चम्मच से उलट पलट करके ऐसे पलटते रहेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा बड़ा बन के अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अभी हम छन्नी से इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बड़ा में बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह सेम प्रोसीजर में हम एक एक करके सारे बड़ा को छान लेंगे। और ये देखिए हमने दूसरी बार भी इसमें बड़ा को डाल दिया और धीरे धीरे हमें सबको छान लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमने धीरे धीरे करके सारा बड़ा को छान लिया है, मतलब फ्राई कर लिया है। आप इसको चना के साथ, धनिया पत्ती की चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए दोस्तों, हमारा बड़ा बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम रूई जैसे सॉफ्ट बना है। दोस्तों, ये मेरा आज का बड़ा का रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में और एक नया रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।